आज की क्लास में हम फॉर्मूला टैब के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्मूला टैब का यूज डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज को यूज करने के लिए किया जाता है। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कई सारे फंक्शन, कई सारे फॉर्मूलाज आपको मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखा, इस तरीके से आपने नंबर लिखा, आप चाहते हैं कि आपको इन नंबर्स का सम करना है, तो यहाँ पे आप फंक्शन सम का यूज करके एंटर कर दीजिए, ये नंबर्स का सम आ जाता है। तो ये कुछ फंक्शन है, आइए हम देखते हैं कि इस तरीके से हम इन फंक्शंस का यूज करेंगे। सबसे पहला फंक्शन जो हमें मिल रहा है वो है एबीएस। एबीएस क्या करता है, इसमें किसी भी संख्या में से माइनस का निशान हटा सकते हैं। मतलब आपका कोई नंबर ऐसा है जो निगेटिव पॉइंट में है, माइनस में, आप चाहते हैं कि माइनस रिमूव कर दे, तो उसके लिए आपको ब्लैंक सेल पे कर्सर रखना है, इंसर्ट फंक्शन पे आ करके और लगा लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए पहला फंक्शन शो कर रहा एबीएस, ओके। अब यहाँ पे आके आपको उस नंबर को, उस वैल्यू को सेलेक्ट कर लेना है जिसमें से आप माइनस का निशान हटाना चाहते हैं। सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अब आप देख सकते हैं जो यहाँ पे नंबर हमारा माइनस में था वो यहाँ पे माइनस रिमूव होके आ जाता है। तो ये हमारा पहला जो फंक्शन था वो एबीएस का था। इसको आप डायरेक्ट इस तरीके से इक्वल ए बी एस करके ब्रैकेट ओपन करके भी नंबर को अगर सेलेक्ट करेंगे तो भी आप इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है एवरेज। एवरेज में क्या होता है, इसमें हम कई सारे स्टूडेंट के मार्क्स की या किसी भी नंबर का एवरेज निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमने ब्लैंक सेल पे कर्सर रखा, यानी आप चाहते हैं कि इन सभी नंबर्स का हमें एवरेज निकालना है, ब्लैंक सेल पे कर्सर रखा। फंक्शन पे आ जाते हैं, यही सारे फंक्शन आपको इनके अंदर दे रखे हैं। तो हमें यहाँ पे एवरेज ढूंढ लेना है, एवरेज को यहाँ पे आप देखेंगे हमारा एवरेज का फंक्शन शो हो रहा है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे उन नंबर्स को सेलेक्ट कर लेना है जिनका आप एवरेज निकालना चाहते हैं। आप अगर चाहें तो नंबर को एक बार में सेलेक्ट करके ओके कर दें तो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका आउटपुट इस तरीके से शो कर रहा है, नंबर्स का एवरेज निकल के आ रहा है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाएं, आप देखिए इस तरीके से एवरेज निकल के आया है। अब इसी को आप दूसरे तरीके से कैसे यूज करेंगे, आप इसको दूसरा तरीका जो है नंबर्स को अलग अलग ब्लॉक में भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एवरेज लिया, नंबर वन में आके वन को सेलेक्ट किया, नंबर टू, अब आप चाहते हैं केवल इतने का आपको देखना है तो आप इतने का देख सकते हैं। इस तरीके से देखिए इसका आउटपुट ओके करेंगे ये यहाँ पे शो करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है काउंट। काउंट क्या करता है, जिन सेल्स में कुछ लिखा होता है काउंट केवल वही गिनकर बताता है, मतलब जो आप काउंट फंक्शन का यूज करेंगे ये क्या करता है, जिन सेल्स में कुछ लिखा होता है केवल उन्हीं को काउंट करके बताता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि केवल नंबर जो लिखे होते हैं, जो नंबर लिखे सेल होते हैं उन्हें ये काउंट करने का काम करता है, जो टेक्स्ट लिखे हुए नंबर होते हैं उन्हें ये काउंट नहीं करता है। तो काउंट को हम कैसे यूज करेंगे, फंक्शन पे आकर के हम यहाँ पे काउंट को ढूंढ लेते हैं। यहाँ आप टाइप कर लीजिए काउंट, यहाँ पे आपको कई सारे फंक्शंस मिलेंगे, ओके कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लीजिए, इसे हमने इतने ये सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे अगर हम आंसर देखें तो 3 आ रहा है, क्यों, क्योंकि काउंट जो होता है वो केवल और केवल नंबर्स को ही काउंट करता है, टेक्स्ट को नहीं काउंट करता है। तो यहाँ पे अगर हम टेक्स्ट देखें 1, 2, 3, 4 एंड 5, लेकिन नंबर हमारे कितने हैं 3, तो ये क्या करता है केवल नंबर्स को काउंट करने का काम करता है, उसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा। नेक्स्ट फंक्शन हमारा आ रहा काउंटा। काउंटा क्या करता है, अब देखिए काउंट में क्या था कि जिन सेल्स में केवल नंबर लिखा होता है केवल उन्हें गिन के बता देता है, लेकिन काउंटा क्या होता है, ये क्या करता है, जिन सेल्स में नंबर और टेक्स्ट होंगे उन दोनों को गिनता है, लेकिन क्या होता है ये खाली सेल को काउंट नहीं करता है। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि जिन सेल्स में नंबर्स था उन्हें काउंट करके बताया, अब आप चाहते हैं कि आपको केवल हमें इसमें जो है नंबर और टेक्स्ट जो लिखे हुए उन्हें गिनना, लेकिन अगर कोई खाली सेल आ रहा तो उसको हमें काउंट नहीं करना है,
मान लीजिए हमने इसको सेल को ब्लैंक रख दिया। अब अगर हम आए ब्लैंक सेल पे कर्सर रखें, यहाँ पे हम फंक्शन को फाइंड कर लेते हैं, ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू में आके आप इन सबको सेलेक्ट कर लीजिए। आंसर अब हम यहाँ पे देखें तो 9 आ रहा है, इसका क्या मतलब होता है? ओके करें 9, क्योंकि हमने जब यहाँ पे सेलेक्ट किया था। फिर से हम इसको देखते हैं, यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हैं, या ओके। अब यहाँ पे हमने इतने एरिया को सेलेक्ट कर रखा, अब आंसर यहाँ पे देखिए 7 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर और टेक्स्ट हैं टोटल गिन करके 7 है। यहाँ पे हम देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, लेकिन यहाँ पे देखिए एक ब्लैंक सेल है तो ये क्या करता है, उसे काउंट नहीं करता है, ये केवल नंबर लिखे टेक्स्ट और सेल लिखे टेक्स्ट को ही काउंट करने का काम करता है। तो ये दूसरा फंक्शन हमारा। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है डे। डे में क्या होता है, आपने मान लीजिए यहाँ पे आपने एक डेट लिख रखा है, कोई भी डेट ले रखा है, उसमें से आप फाइंड कर सकते हैं डेट कौन सा है। मीन्स जैसे क्या होता है, फॉर्मेट कुछ लोग अलग रखते हैं, पहले मंथ लिखते हैं फिर डेट लिखते हैं फिर ईयर लिखते हैं, कुछ लोग डेट पहले लिखते हैं फिर ईयर, मतलब इस तरीके से फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, इसमें हम देखें तो 2 जो हमारा डेट है, 1 जो हमारा मंथ है, और ये जो हमारा ईयर है। अब इसमें से अगर आप फाइंड करना चाहें, अगर हम देखें यहाँ पे तो 4 भी हमारा मंथ में आता है और 3 भी हमारा मंथ में आता है, और 3 भी हमारा डेट में होता है और 4 भी हमारा डेट में होता है, लेकिन इसमें से कौन सा एग्जैक्ट हमारा डेट है उसको आप फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे फंक्शन यूज करना है। फंक्शन पे आ जाना है यहाँ पे, डे को ले लेना, ओके। अब यहाँ पे आके आप डेट को सेलेक्ट करिए। अब यहाँ पे देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है, 4। इसमें से जो डेट है हमारा वो 4 है, 3 जो है वो मंथ है, और 2013 ये हमारा ईयर है, ओके। इस तरीके से इन सब में देखना है, तो सेम प्रोसेस आप इसको ट्रैक कर देंगे, इसमें भी अप्लाई होके आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन मिल रहा है वो है हमें काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक होता है, इसमें क्या होता है, प्रीवियस अभी हमने देखा तो वहाँ पे काउंट का ऑप्शन दे रखा था, काउंटा का ऑप्शन दे रखा था, तो काउंट में क्या था, केवल वो नंबर लिखे सेल को ही काउंट करता था, टेक्स्ट को नहीं। काउंटा नंबर एंड टेक्स्ट दोनों को काउंट करता है, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है काउंट ब्लैंक। अब ये क्या करता है, काउंट ब्लैंक जो होता है वो केवल ब्लैंक सेल को काउंट करता है, किसी भी टेक्स्ट में लिखे हुए सेल में कंटेंट या नंबर को काउंट नहीं करता है। तो उसके लिए आपको फंक्शन पे आ जाना है यहाँ पे, सेलेक्ट करके ओके कर देना है। अब यहाँ पे हमने ये एरिया सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे अगर हम रिजल्ट देखें तो यहाँ पे 1 शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जितना एरिया हमने सेलेक्ट किया हुआ है इसमें से केवल एक ही ब्लैंक सेल है हमारा, बाकी सब में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे देखें हम काउंट ब्लैंक ने क्या किया, केवल ब्लैंक सेल जो है हमारा उसे ही काउंट करने का काम किया, ओके कर देंगे। नेक्स्ट जो फंक्शन आ रहा वो है डे 360। डे 360 का काम क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कुछ डेट के बीच में अंतर देखना चाहते हैं कि कितने दिन का गैप रहा है या कितना आप काउंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए होता है, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें आप दो डेट लेके दोनों डेट के बीच में कितने दिन का डिफरेंस है ये देख सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे एक डेट है 1/1/2012 और 5/2/2013, आप ये देखना चाहते हैं कि इन दोनों डेट के बीच में कितने दिन का अंतर है, कितने दिन का डिफरेंस है, तो उसके लिए आप यहाँ पर डे 360 फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो ब्लैंक सेल पे कर्सर रखिए और यहाँ पे आकर के हमें फाइंड करना है डे 360। गो पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा डेज। स्टार्ट डेट में आपका जो पहला डेट है उसे सेलेक्ट कर लेना है, एंड डेट में आपका जो दूसरा डेट है उसको सेलेक्ट कर लेना, ओके कर देते हैं।
अब आप यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हैं, इन दोनों डेट के बीच में 394 यानी 394 दिन का अंतर है। तो डे 360 बहुत ही यूजफुल ऑप्शन होता है, बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला होता है, आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है डॉलर। डॉलर क्या करता है, आप चाहते हैं कि किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को करेंसी फॉर्मेट में हमें चेंज करना है। मान लीजिए आप चाहते हो कि इसमें हमें डॉलर का करेंसी लगाना है, फंक्शन पे आएंगे, यहाँ पे डॉलर, यहाँ पे आपको डाल देना है डॉलर। हमें यहाँ पे डॉलर को फाइंड कर लेना, डॉलर में आकर के उसको सेलेक्ट करेंगे। ये आ जाता है फंक्शन डॉलर का, सेलेक्ट करके ओके करिए। अब जिस भी नंबर को आप डॉलर या करेंसी फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हैं, हमें यहाँ पे उस नंबर को सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए आप चाहते हो हमें 65 को करना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे उसके आगे करेंसी लग के आ जाती है अकाउंटिंग का, इस तरीके से। अगर आप बाकी सब में चाहते हैं, एक में अप्लाई करिए, बाकी को ट्रैक कर दीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं बाकी सब में भी वो डॉलर लग के आ जाता है। उसके बाद इवन, इवन क्या करता है, इसमें किसी भी संख्या का आप इवन या विषम संख्या, विषम संख्या का सम संख्या देख सकते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपको फर्स्ट का मतलब एक नंबर का देखना है इवन, 45.5 का इवन देखना है, तो कैसे देखेंगे। मान लीजिए आप यहाँ पे कुछ नंबर ले रखा हमने, हमें यहाँ पे इवन को टाइप करना है, इवन, ओके। यहाँ पे आके आप उस नंबर को सेलेक्ट करिए जिसका आप इवन नंबर देखना चाहते हैं, ओके कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 45.5 का जो इवन होगा वो 46 होगा। अगर आप यहाँ पे 1 को सेलेक्ट करें तो 1 का जो इवन है वो 2। इस तरीके से आप किसी भी संख्या का इवन नंबर देख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे हाव। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपने इस तरीके से टाइम लिख रखा है, तो इसमें से आप फाइंड करना चाहते हैं हावर कौन सा, मानी मिनट आप यहाँ पे दे रखा है, सेकंड दे रखा है, टाइम दे रखा है, इसमें से आप हावर फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम फंक्शन का यूज करते हैं हावर फंक्शन। तो आपको फॉर्मूला पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे आपको हावर फाइंड कर देना है, इस तरीके से मिल जाएगा, ओके। फिर यहाँ पे सीरियल नंबर में आपको उस टाइम को सेलेक्ट कर लेना है जिसमें से आप हावर देखना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखिए रिजल्ट में क्या आ रहा है, 12 जो है वो हमारा हावर है, और उसके बाद ये मिनट और ये सेकेंड, ओके। इस तरीके से इसमें भी देखना चाहते हैं आप, तो इसको आप ट्रैक कर दीजिए या फिर से आप फंक्शन का यूज करिए। तो ये था हमारा हावर का फंक्शन। उसके बाद यहाँ पे एक और फंक्शन आ जाता है मैक्स। तो इसको आप सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल मैक्स ब्रैकेट ओपन करके आप इन नंबर्स को सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज एंटर प्रेस करिए, तो जो भी सबसे बड़ा नंबर होगा, बड़ी संख्या होगी, वो यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। उसी तरीके से आप यहाँ पे फंक्शन में भी आकर के मैक्स का फंक्शन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आइए, देखिए ऑप्शन आपको मिलना मैक्स का, ऑटोमेटिक आपके नंबर सेलेक्ट हो जाते हैं, एंटर। तो ये हमारा मैक्स का फंक्शन था। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको पूरा नंबर सेलेक्ट कर लेना है जिसमें से आप देखना चाहते हो, उसका आउटपुट आपको यहाँ पे शो करेगा। नेक्स्ट जो फंक्शन आ रहा वो है मिन। मिन क्या करता है, जैसे मैक्स होता है वो सबसे बड़ा जो नंबर होता है उसे शो करने का काम करता है मैक्स, वैसे ही यहाँ पे दूसरा जो फंक्शन है हमारा वो है मिन। मिन क्या करता है, सिलेक्टेड में से, सिलेक्टेड नंबर में से जो भी सबसे मिनिमम नंबर होगा, छोटा नंबर होगा, वो हाईलाइट करने का काम करेगा। तो उसके लिए फंक्शन पे आते हैं, या आप डायरेक्टली यहाँ से भी यूज करते हैं, ऑटो सम पे क्लिक करिए, मिन का फंक्शन मिलेगा, एंटर प्रेस कर देंगे। तो इस तरीके से जो भी सबसे मिनिमम नंबर होता है वो हमें यहाँ पे हाईलाइट हो जाता है। नेक्स्ट फंक्शन यहाँ पे आ जाता है हमारा मोड।
मोड क्या करता है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ज़्यादा नंबर्स लेते हैं, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया होता है या जो नंबर रिपीटेड होता है उसको ये शो करने का काम करता है। यानी कि एक से अधिक बार नंबर आया होता है तो उसे हम यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सा नंबर रिपीटेड है। तो यहाँ फंक्शन पे आकर के मोड, यहाँ पे हमें मोड को ले लेना। ये हमने सेलेक्ट किया, ओके। अब यहाँ पे आकर के हमने इन सारे नंबर्स को सेलेक्ट किया। यहाँ पे देखिए रिजल्ट में जो आ रहा है 64 आ रहा है। अब यहाँ पे तो ये भी नंबर रिपीटेड है। यहाँ पे अगर हम चेंज कर दें, अब देखिए यहाँ पे जो भी रिपीटेड नंबर है वो आपको हाईलाइट कर देता है। ऐसे अगर डेटा आपका ज़्यादा है, उसमें आप फाइंड करना चाहते हैं कि कितने उसमें हमारे रिपीटेड नंबर हैं, तो आप इसमें आकर के इस फंक्शन का यूज़ करके आप उन नंबर्स को देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपको रिजल्ट देगा, ओके करके। यहाँ पे देखिए रिजल्ट आ रहा है 65, क्योंकि 65 ही वो वर्ड है जो यहाँ पे रिपीटेड है मल्टीपल टाइम। नेक्स्ट फंक्शन यहाँ पे आता है मंथ। मंथ क्या करता है, यहाँ पे मान लीजिए आपने डेट सेलेक्ट किया हुआ है, तो इस डेट में से कौन सा आपका मंथ है ये शो करने का काम करेगा। तो यहाँ पे आते हैं, हमने यहाँ पे एक डेट ले रखा है, इसमें से हम मंथ फाइंड करना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने डेट ले रखा है, जिसमें से पहले भी हम ऑप्शंस पढ़े हैं, अभी डे का पढ़ा हमने, किसी भी सिलेक्टेड डेट में से डे को फाइंड कर सकते हैं। वैसे ही अगर आप मंथ फाइंड करना चाहते हैं तो हमने फंक्शन पे आ जाना है, यहाँ पे मंथ को सेलेक्ट कर लेना। अब मंथ क्या करता है, सिलेक्टेड डेट में से आपका मंथ कौन सा है ये हाईलाइट करने का काम करता है। ओके कर देंगे, हमने यहाँ पे इस डेट को सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है, 3 हमारा इसमें से मंथ है, 4 डेट है और ये ईयर है। ओके कर दीजिए, बाकी समय भी आप अप्लाई करना चाहते हैं ड्रैग कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन हमें मिल रहा है वो है नाउ। नाउ क्या करता है, इसके लिए आपको फंक्शन में नहीं जाना है। नाउ क्या करना, सिंपल आपको अपने सेल में इक्वल टाइप करना है और यहाँ पे लिखना है नाउ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। इतना करने के बाद जब आप एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपको करंट डेट एंड करंट टाइम शो करता है। ओके कर दीजिए एंटर, तो यहाँ पे जो भी करंट डेट एंड करंट टाइम होगा वो आपको यहाँ पे शो कर जाता है। तो बिना फंक्शन में जाए आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है ऑड, इसमें किसी भी विषम संख्या को शो करेगा। जैसे किसी भी संख्या का आप ऑड देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऑड देख सकते हैं। जैसे इसका हमने दे रखा है तो उसका 3 दिखा रहा है, इसका देखना चाहते हैं आप तो यहाँ पे ऑड करूंगी, ओके कर दीजिए सेलेक्ट। अब देखिए इसका ऑड नंबर क्या होगा, 5। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है प्रॉपर। प्रॉपर क्या करता है, प्रॉपर जो होता है वो किसी भी वर्ड किसी भी सेंटेंस को प्रॉपर तरीके से लिखना बताता है। प्रॉपर तरीका मतलब क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे कुछ हेडिंग लिखा दिस इज जेनियर कंप्यूटर, या तो ये क्या कर रहा है, आप यहाँ पे देखिए सेंटेंस आपने लिखा तो सही है, लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग आप देखें, आप जब लिख रहे हैं तो यहाँ पे सेंटेंस का थोड़ा सा चेंज है, इशू है। जैसे कि पहला लेटर कैपिटल फिर आपने स्मॉल लिखा, फिर इस तरीके से पहला स्मॉल, तो ये क्या करता है, हम जब सेंटेंस लिखते हैं तो उसका कुछ प्रॉपर तरीका होता है। वो क्या होता है, पहला लेटर आप कैपिटल लिखिए बाकी स्मॉल लिखिए, तो इसी तरीके से ये आपको प्रॉपर तरीका लिखने के बताता है। तो जैसे हमने यहाँ पे लिया, ये मान लीजिए हमने ये लिखा, ये हमने लिखा, तो ये प्रॉपर तरीका नहीं है इसका। यहाँ पे आप देखिए पहला लेटर कैपिटल लिखा, फिर ठीक है यहाँ पे फिर यहाँ कैपिटल लिख दिया बाकी फिर स्मॉल लिख दिया। तो यहाँ पे जब आते हैं प्रॉपर पे, तो सेंटेंस को किस तरीके से प्रॉपर तरीके से लिखा जाता है ये आपको बताने का काम करता है प्रॉपर का फॉर्मूला। तो हमें यहाँ पे प्रॉपर को सेलेक्ट कर लेना,
यहाँ पे ढूंढ लेते हैं यार, हमारा प्रॉपर सेलेक्ट करिए। उसके बाद यहाँ पे उस सेंटेंस को आप सेलेक्ट करिए, यहाँ पे आप देखिए, ओके करिए। अब इस सेंटेंस को आप देखें और इस सेंटेंस को देखें, बेस्ट ये है क्योंकि पहला लेटर कैपिटल, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, बाकी स्मॉल। तो ये क्या करता है, किसी भी वर्ड या सेंटेंस को किस तरीके से प्रॉपर तरीके से लिखा जाता है ये बताने का काम करता है ये। नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा पावर। पावर क्या होता है, जैसे आप चाहते हैं कि इसमें आप पावर लगाकर रिजल्ट देखना चाहते हैं, जैसे 25 का हमें 2 से देखना है, 25 का हमें 4 से देखना है, तो आप यहाँ पे पावर लगाकर रिजल्ट को देख सकते हैं। यहाँ पे पावर को सेलेक्ट करिए, ओके। मान लीजिए हम 25 का पावर देखना चाहते हैं, किससे देखना है, 2 से देखना है, तो यहाँ पे आप रिजल्ट देखिए इस तरीके से आ रहा है। या 25 का पावर आप 5 से देखना चाहते हैं तो इस तरीके से आते हैं, ओके। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्ट। ये क्या करता है, प्रोडक्ट का यूज करके आप कई सारी संख्याओं को गुणा करके देख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन आप इस तरीके से करके देख सकते हैं। तो इसके लिए हमें फंक्शन पे आ जाना है, प्रोडक्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं, ओके करिए। प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे चाहें तो आप नंबर को एक एक करके अलग अलग ब्लॉक में सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि हमें एक बार में सेलेक्ट करना है सभी को, सेलेक्ट करके आप यहाँ पे देखिए इसका आउटपुट इस तरीके से आ जाता है, इन सभी को, सभी संख्याओं का गुणा होके। अगर आप चाहते हैं कि केवल आपको 2 संख्याओं का देखना है, ओके करिए, तो आप यहाँ पे 2-2 संख्याओं को करके देख सकते हैं इस तरीके से, ओके करिए। तो ये हमारा प्रोडक्ट का फंक्शन था। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है रिपीट। रिपीट में क्या होता है, आप किसी भी वर्ड को रिपीट करा सकते हैं, मतलब एक बार आपने लिख दिया, आप चाहते हो कि इसको हमें दोहराना है और रिपीट कराना है, तो उसके लिए आप रिपीट कर सकते हैं। तो ब्लैंक सेल पे कर्सर रखिए, फंक्शन पे आ करके रिपीट, यहाँ पे हमें रिपीट लिख देना है, ओके। अब जिस भी टेक्स्ट को आप रिपीट कराना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार आप उसको रिपीट करना चाहते हैं, 1, 2 या इस तरीके से 12 सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए, टेक्स्ट आपका उतनी ही बार रिपीट हो या सेंटेंस जो भी है। नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है वो है रोमन। रोमन में क्या होता है, इसमें किसी भी संख्या को आप रोमन नंबर में बदल सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखा 10 का हमने इस तरीके से रोमन में कन्वर्ट किया, अगर आप चाहते हैं 21 को हमें रोमन में करना, तो यहाँ पे रोमन फंक्शन का यूज करेंगे, ओके। आप जिस भी संख्या को आप करना चाहते हैं सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए, तो इस तरीके से रोमन संख्या में आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है स्क्वायर, स्क्वायर रूट। जैसे आप चाहते हैं कि हमें स्क्वायर रूट देखना है, 25 का 5 से देखना है, 25 का स्क्वायर रूट देखना है, जिसका भी नंबर का आप देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये तो पहले से हमने दे रखे हैं आउटपुट, आप चाहते हैं कि इसका हमें देखना है, फंक्शन पे आइए, यहाँ पे हमें टाइप करना है स्क्वायर और गो पे क्लिक कर देना, ओके। अब जिसका भी आपको देखना, मान लीजिए आपको 25 का स्क्वायर देखना है तो आप यहाँ पे 25 का देख सकते हैं, 81 का देखना है तो आप 81 का देख सकते हैं, इस तरीके से देख सकते हैं। सम का फंक्शन यहाँ पे आपको दे रखा है, कई सारे नंबर्स का अगर आप सम करना चाहते हैं तो आप सम कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको ये फंक्शन पे आना है, सम पे क्लिक कर देना, वर्टिकली सेलेक्ट करना है, हॉरिजॉन्टली वो आपके ऊपर डिपेंड। तो ये कई सारी संख्याओं का जोड़ निकालता है। उसके बाद यहाँ पे आता है टुडे। टुडे में क्या करना है, आपको फंक्शन में क्लिक कर देना है, वहाँ पे जाके टुडे को सेलेक्ट करना, बस आप सिंपल यहाँ पे टुडे को सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद आप ओके कर दीजिए, ओके। तो यहाँ पे जो भी करंट डेट होगा वो आपको यहाँ पे शो करेगा। नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है ट्रिम। ट्रिम क्या करता है, एक ही सेल्स यहाँ पे एक ही सेल में लिखे गए वर्ड्स के बीच में
जो गैपिंग्स होती है, स्पेस होता है, उन्हें कम करने का काम करता है। अब जैसे यहाँ पे आपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसमें जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है, आप चाहते हैं ये स्पेस कम हो जाए, तो यहाँ पे हम ट्रिम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, ट्रिम। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे सेंटेंस को सेलेक्ट करिए। ओके, अब इसको देखिए और इसका आउटपुट देखिए, यहाँ पे जो स्पेस था वो कम हो गया है, ये सिंपल इस तरीके से आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन आ रहा है वो है अपर। अपर क्या करता है, अपर फंक्शन जो होता है हमारा, अगर आपने कोई वर्ड स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है तो उसको ये क्या करता है, कैपिटल में कन्वर्ट करने का काम करता है, यानी कि जो भी वर्ड कैपिटल लेटर में लिखे होते हैं उन्हें स्मॉल लेटर में होता है उन्हें कैपिटल में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो हमें यहाँ पे सिंपल किसी भी वर्ड को स्मॉल से आप कैपिटल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो हमें क्या करना है, फंक्शन में जाना सिंपल और यहाँ पर टाइप करना है अपर। गो, ओके। अब यहाँ पे आके उस सेंटेंस को सेलेक्ट करिए। ओके, अब यहाँ पे इसका रिजल्ट देखिए, स्मॉल से कैपिटल में कर देता है अपर का जो फॉर्मूला होता है हमारा। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है लेफ्ट। लेफ्ट क्या करता है, किसी भी सेंटेंस या किसी भी वर्ड का जो भी लेफ्ट वर्ड होगा वो शो करने का काम करेगा। फंक्शन पे आप आइए, यहाँ पे लेफ्ट टाइप कर दीजिए। गो, ओके। अब जिस भी वर्ड का आप लेफ्ट वर्ड देखना चाहते हो क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे इसका जो लेफ्ट वर्ड है आशुतोष का लेफ्ट वर्ड ए, अगर आप इसको देखें तो इसका जो लेफ्ट वर्ड है वो जे। ठीक, किसी भी वर्ड या किसी भी सेंटेंस का लेफ्ट वर्ड शो करने का काम करेगा। ऐसे हमें राइट का फंक्शन मिल जाता है, आप किसी भी वर्ड या सेंटेंस का राइट वर्ड शो करा सकते हैं। तो हमें यहाँ पे राइट फंक्शन का यूज कर लेना है। ओके कर देंगे। यहाँ पे देखिए इसका जो राइट वर्ड है वो वी है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है वीकडे। वीकडे क्या करता है, वीकडे में जैसे आपने एक डेट लिया हुआ है, कोई भी डेट डालते हैं हम, उसमें से ये हम जान सकते हैं कि वो वीक या हफ्ते का कौन सा दिन है। मान लीजिए हमने यहाँ पे डेट लिया, अब इसको हम जानना चाहते हैं कि हफ्ते का कौन सा दिन है ये, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, वीकडे। वीकडे फंक्शन का यूज करना है। ओके कर देना, उसके बाद आपको उस डेट को सेलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पे देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है। ओके, यहाँ पर रिजल्ट देखिए क्या बता रहा है, कि ये हफ्ते का छठा दिन है, सिक्स डे है, ये बताने का काम करेगा। ईयर, ईयर फंक्शन का यूज आप कर सकते हैं किसी भी डेट में से ईयर को फाइंड करने के लिए। अब जैसे हमने यहाँ पे ईयर चेंज कर दिया, यहाँ पे देखिए फंक्शन पहले से अप्लाई है तो यहाँ पे चेंज हो रहा है। फंक्शन पे आते हैं, यहाँ पे ईयर, यहाँ पे हमें सेलेक्ट कर लेना है। ओके, ईयर फाइंड करेगा। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन यहाँ पे हमें मिल जाता है डेट। डेट फंक्शन का जो यूज करते हैं डेट लेने के लिए। मान लीजिए आपने इस तरीके से कुछ सेल्स में नंबर लिख रखे हैं, आप चाहते हैं कि इन्हीं सेल्स में से, इन्हीं सेल के जो नंबर हैं इन्हीं में से हम एक डेट बनाना चाहते हैं, मतलब ये जो नंबर सिंपल लिखे हुए हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसको एक डेट फॉर्मेट में हमें चेंज करना है, तो फंक्शन में आप डेट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे लिख देना है डेट। गो, ओके। जैसे आप डेट फंक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 ब्लॉक्स मिलते हैं, ईयर, मंथ एंड डे का। ईयर में आप इस डेट, इस नंबर्स में से ईयर किसे बनाना चाहते हो वो ईयर हम ले लेते हैं, आप इस नंबर्स में से मंथ किसे बनाना चाहते हो, हमने मंथ ले लिया 4 को, आप डेट किसे बनाना चाहते हैं, डेट। ओके, अब आप देखेंगे तो यहाँ पे एक डेट क्रिएट होके आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे लोअर, जैसे हमने अभी पढ़ा अपर, तो क्या करता है, स्मॉल लेटर में लिखा हुआ वर्ड जो होता है उसे अपर केस यानी कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है। वैसे ही लोअर का जो फंक्शन होता है वो कैपिटल लेटर से स्मॉल में कन्वर्ट कर देता है। ओके, यहाँ पे आप सेलेक्ट करिए उस वर्ड को। ओके कर दीजिए, इस तरीके से इसका आउटपुट शो करेगा। उसके बाद लास्ट फंक्शन हमारा यहाँ पे आ रहा है काउंट नंबर्स। ये टोटल जो नंबर आपने लिखे हुए हैं उन्हें काउंट करने का काम करेगा। तो हमें यहाँ पे काउंट नंबर्स फंक्शन को यूज करना होगा।
या आप सिंपल यहाँ पे इसका भी फंक्शन दे रखा होता है काउंट नंबर्स का, यहाँ से क्लिक करके नंबर्स को सेलेक्ट करिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। तो ये हमारे कुछ फंक्शंस थे, इसमें कई सारे फंक्शंस आपको मिल जाएंगे जो आप एडवांस एक्सेल की वीडियो में भी देख सकते हैं। तो ये सारे फंक्शंस आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें बहुत ही यूज़फुल फंक्शंस आपको मिलेंगे। एच लुकअप का, बी लुकअप का फंक्शन आपको मिलेगा, इसमें आप एवरेज निकाल सकते हैं फॉर्मूले का यूज़ करके, डेट फाइंड करा सकते हैं, डे फाइंड कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे फंक्शन थे। तो फॉर्मूला का ग्रुप, हमारा फॉर्मूला टैब का जो पहला ये ग्रुप है फंक्शन लाइब्रेरी, ये कम्प्लीट हो गया। आगे के ऑप्शंस के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू। तो ये कम्प्लीट हो जाता है।